बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फॉलन। ये कहानी आज से हजारों लाखों साल पुरानी है, जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं था। इसके बाद ईश्वर ने रोशनी बनाई, रोशनी के बाद बना स्वर्ग, जहां पर देवता और एंजल्स एक साथ रहते थे। स्वर्ग में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं थी, वहां पर हर चीज बहुत खूबसूरत थी। पर एक दिन एक एंजल देवताओं के खिलाफ हो गया, और अब जितने भी एंजल्स थे उन्हें फैसला करना था, या तो देवताओं के साथ रह सकते थे या उस एंजल की जो देवताओं के खिलाफ खड़ा हो चुका था। दरअसल अब वो एक डीमन एंजल बन चुका था, और अब बाकी एंजल्स को ये फैसला करना था कि वो उस डीमन एंजल के साथ है या फिर देवताओं के साथ। कुछ एंजल्स ने देवताओं का साथ चुना और कुछ ने उस डीमन एंजल्स का, पर कुछ एंजल्स ऐसे भी थे जिन्होंने ये फैसला किया कि वो किसी भी पक्ष में नहीं जाएंगे। इसके बाद देवताओं ने उन एंजल्स को जिन्होंने किसी भी पक्ष को नहीं चुना था, उन्हें धरती पर उस वक्त तक के लिए भेज दिया जब तक कि वो कोई फैसला नहीं करते। और ऐसे एंजल्स को नाम दिया गया फॉलन का। हजारों साल बाद यानी कि आज के प्रेजेंट के वक्त में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ल्यूसिंडा होता है। ल्यूसिंडा के माँ बाप उसे खास स्कूल भेजते हैं जिसका नाम होता है सॉर्ड एंड क्रॉस। स्कूल में उन टीनेजर बच्चों को भेजा जाता है जिन्हें या तो कोई मेंटल प्रॉब्लम हो या किसी ने कोई क्राइम किया हो। ल्यूसिंडा को यहाँ पर इसलिए भेजा गया है कि उसे अजीब अजीब से हेलुसिनेशन होते हैं। साथ ही जब वो आखिरी बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और उसे किस करने की कोशिश कर रही थी, तभी पूरे घर में आग लग गई जिस वजह से घर जल गया और उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई। और यही वजह होती है कि ल्यूसिंडा को इस खास स्कूल में भेजा गया है। अब जब ल्यूसिंडा स्कूल पहुंच जाती है तो देखती है कि पुलिस वाले यहाँ पर एक और स्टूडेंट को ला रहे हैं। इसका नाम कैम होता है। इसके बाद ल्यूसिंडा अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है जो उसे दवाई देता और कहता है कि अगर तुम इन दवाइयों को खाओगी तो तुम्हें किसी भी तरह के हेलुसिनेशन नहीं होंगे। लेकिन ल्यूसिंडा को लगता है कि जो भी चीजें उसे दिखती है उसका उसकी जिंदगी से कोई ना कोई मतलब है, वो सिर्फ हेलुसिनेशन यानी कि उसका भ्रम नहीं है। इसीलिए वो तय करती है कि वो मेडिकेशन नहीं लेगी। अब ल्यूसिंडा लाइब्रेरी में जाती है जहां पर वो एक लड़के को देखती है जिसका नाम डैनियल होता है। वो उसे ध्यान से देख रही होती है, उसे ऐसा लगता है कि वो उसे जानती है, पर तभी डैनियल रूडली वहां से उठकर चला जाता है। और अब जब ल्यूसिंडा कॉरिडोर में होती है तो वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम मॉली होता है। वो जानबूझकर उसे धक्का देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है, तुम्हारी वजह से एक लड़के की जान गई है। ल्यूसिंडा को कुछ समझ नहीं आता कि ये लड़की उससे क्यों लड़ रही है। अगली सुबह जब वो ग्राउंड में होती है तभी वहां पर एक एंजल की मूर्ति उसके ऊपर गिरने वाली होती है कि डैनियल उसे बचा लेता है। और जब डैनियल उसके बहुत करीब होता है तो ल्यूसिंडा को बहुत अजीब अजीब से दृश्य दिखना शुरू हो जाते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, डैनियल यहाँ से चला जाता है। वहीं हमें खिड़की पर बैठे कैम को दिखाया जाता है जिसे पुलिस यहाँ पर लेकर आई थी। वो खिड़की से ल्यूसिंडा को देख रहा होता है और तभी वहाँ पर मॉली आती है। वो कैम से कहती है, क्या तुम ल्यूसिंडा से प्यार करते हो? ऐसी गलती कभी मत करना, तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम किसके लिए काम करती हो। मॉली वहां से चली जाती है और इसके बाद कैम ल्यूसिंडा के पास जाता, उसे कहता है कि तुम क्यों ना मेरे साथ कॉफी पीने चलो। और ये दोनों के दोनों कॉफी पीते हैं। यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है और अब इनका तलवारबाजी का पीरियड होता है जहाँ पर ल्यूसिंडा और मॉली को एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करनी है। पर मॉली तलवारबाजी में बहुत तेज होती है, इसीलिए वो ल्यूसिंडा को आसानी से हरा देती है। और इसके बाद ल्यूसिंडा के सामने डैनियल आता है और जब वो डैनियल से तलवारबाजी कर रही होती है तभी उसे अजीब अजीब से दृश्य दिखना शुरू हो जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर नहीं बल्कि कहीं और पर है और वहाँ वो तलवारबाजी कर रही है। लेकिन सच तो ये होता है कि वो प्रेजेंट में डैनियल के साथ तलवारबाजी कर रही होती है, हालांकि उसने कभी तलवार नहीं चलाई होती। लेकिन वो डैनियल से बहुत ही खतरनाक फाइट लड़ती है जिसे देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। अब रात को ल्यूसिंडा अपनी रूममेट के साथ पार्टी में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात कैम से होती है। हालांकि वो कैम की तरफ अट्रैक्टेड होती है लेकिन उसे डैनियल के साथ एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है जिसके बारे में उसे कुछ समझ नहीं आता। अब एक बार फिर से ल्यूसिंडा के पास मॉली आती है और वो ल्यूसिंडा को कहती है कि तुमने एक लड़के को मारा था, क्या अब भी तुम्हें साए दिखते हैं? तभी वहाँ पर कैम आ जाता है और ल्यूसिंडा को मॉली से दूर ले जाता है। डैनियल जब कैम को और ल्यूसिंडा को साथ देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और ल्यूसिंडा यहाँ से निकल जाती है। ल्यूसिंडा को स्कूल में आने के बाद पहले से भी ज्यादा हेलुसिनेशन होते हैं
इसीलिए अब वो दवा खाना शुरू कर देती है। और अगले दिन जब वो पूल में जाती है तो वहां पर डैनियल भी होता है। वो डैनियल से कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुमसे पहले मिल चुकी हूँ, लेकिन कब और कहाँ इस बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। डैनियल उससे कहता है कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जाकर भी उसके पास नहीं जा सकता क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और इसके बाद डैनियल यहाँ से चला जाता है। अब क्लास के बाद जब लूसिंडा बाहर निकलती है तो उसे याद आता है कि वो अपना कुछ सामान क्लास में ही छोड़ आई है। और जब वो सामान लेने के लिए वापस जाती है तो वो देखती है कि डैनियल और प्रोफेसर आपस में बात कर रहे हैं। डैनियल प्रोफेसर को कहता है कि हमें लूसिंडा का ध्यान रखना होगा, उसे हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत है। लूसिंडा ये सुनकर वहां से निकल जाती है, लेकिन डैनियल उसे देख लेता है। लूसिंडा को वो स्केच भी मिलता है जो डैनियल ने बनाया होता है, और इसमें जिस लड़की का स्केच होता है उससे लूसिंडा की शक्ल मिलती है। अब डैनियल उसके पास आता है। लूसिंडा उससे पूछती है कि ये स्केच कैसा है। वो बताता है कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ जिसका क्लाइमेक्स मुझे नहीं मिल रहा। लूसिंडा उससे कहानी के बारे में पूछती है। डैनियल बताता है कि एक लड़का है जो एक लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब भी लड़का लड़की को किस करता है उसकी मौत हो जाती है, और इसके बाद वो दोबारा जन्म लेती है, और 17 सालों तक लड़के को दोबारा से उसका इंतजार करना पड़ता है। लड़की एक बार फिर से जन्म लेती है और ये दोनों एक बार फिर से मिलते हैं, और जिसके बाद लड़की की वजह से मौत हो जाती है, और ऐसा हजारों साल से चल रहा है। लड़के के अंदर खास बात यह होती है कि उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ती। लूसिंडा कहती है कि ये तुम्हारी कहानी है। डैनियल कहता है कि नहीं। लूसिंडा कहती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन डैनियल उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। अब रात को लूसिंडा जब अपने रूम में होती है तो उसके पास कैम आता है। वो उसे अपने साथ पार्टी में चलने को कहता है क्योंकि आज लूसिंडा का बर्थडे होता है। ये दोनों के दोनों एक क्लब में जाते हैं, और जब कैम उसे किस करने वाला होता है तभी वहां पर डैनियल आता है। वो कैम को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम्हें लूसिंडा से दूर रहना होगा, मैं जानता हूं कि तुम आज भी लूसिफर के लिए काम करते हो। लूसिंडा को कुछ समझ नहीं आता कि यहां पर क्या हो रहा है, इसीलिए वो इस जगह से चली जाती है। लेकिन लूसिंडा को पूरा यकीन है कि उसे जो भी विजन्स आते हैं, जो भी उसे हेलुसिनेशन होते हैं, इसका सीधा का सीधा कनेक्शन डैनियल से है। अब वो अपनी रूममेट और उसके बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी आती है, जहां पर ही डैनियल की फोटो को एक सॉफ्टवेयर में डालते हैं, जिससे किसी की भी फोटो को उस सॉफ्टवेयर में डालने के बाद वो चेहरा किससे मिलता है सॉफ्टवेयर अपने आप ही बता देता है। और जब डैनियल के चेहरे को उसकी फोटो को सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो उससे मिलता जुलता फोटो इनके सामने आ जाता है, जो आज से कई 100 साल पुराना होता है। ये देखकर हैरान होते हैं, और जब ये और भी सर्च करते हैं तो इन्हें डैनियल की और फोटो मिलती है, जिस फोटो में लूसिंडा भी उसके साथ होती है। लूसिंडा को एक बार फिर से यहाँ पर विजन्स आना शुरू हो जाते हैं, और इस जगह पर आग लग जाती है। लेकिन इससे पहले कि लूसिंडा को किसी तरह का नुकसान होता, डैनियल उसे बचा कर ले जाता है। लूसिंडा को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी रूममेट का जो बॉयफ्रेंड था उस आग में मारा गया। लूसिंडा को इस बात से बहुत दुख होता है, उसे बहुत रिग्रेट होता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। और तभी वो खिड़की से बाहर देखती है कि डैनियल अब भी उस पर नजर रख रहा है। उसे समझ में आ चुका है कि डैनियल ने उसे जो कहानी सुनाई थी वो उसके और डैनियल के बारे में है, इसीलिए डैनियल को टेस्ट करने के लिए वो ऊपर से जानबूझकर कूद जाती है। पर इससे पहले कि वो नीचे गिरती, डैनियल अपने विंग्स खोलकर वहां पर आकर उसे बचा लेता है। डैनियल के गले में एक लॉकेट भी होता है जिसमें लूसिंडा की और डैनियल की फोटो होती है, और अब डैनियल उसे पूरा का पूरा सच बता देता है। वो बताता है कि जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी वो तुम्हारी और मेरी जिंदगी की सच्ची कहानी है। जब भी मैं तुम्हें किस करता हूँ उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। पिछले 1000 सालों से मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इस बार तुम्हारी आंखें बदली हुई है। मुझे यकीन है कि इस बार हम दोनों हमेशा के लिए साथ रह पाएंगे। और अब वो उसे किस करने वाला होता है कि यहाँ पर कैम आ जाता है, और वो लूसिंडा को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। वैसे भी तुम इस बार बैप्टाइज्ड नहीं हुई हो, तो लूसिफर तुम्हें लेने के लिए, तुम्हें मारने के लिए बहुत जल्द यहाँ पर आएगा। दरअसल इस बार उसका बैप्टिज्म नहीं हुआ, जिस तरह से हिंदू धर्म में जनेव होता है, सिख धर्म में अमृत चखा जाता है, उसी तरह क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म होता है, और लूसिंडा का बैप्टिज्म नहीं हुआ। कैम उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन अब लूसिंडा को फैसला करना है कि उसे डैनियल के साथ रहना है या फिर उसे कैम के साथ जाना है, और वो फैसला करती है कि वो डैनियल के साथ रहेगी। ये दोनों किस करते हैं, लेकिन लूसिंडा को इस बार कुछ भी नहीं होता, वो जिंदा रहती है, जो देखकर कैम और यहाँ पर जितने भी बाकी एंजल्स होते हैं वो सब के सब हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये सब के सब फॉलन एंजल्स हैं, जो आज से 1000 साल पहले
पहले स्वर्ग से धरती पर आ गए थे, जिन्होंने किसी भी पक्ष को नहीं चुना था, और अब कैम और डेनियल के बीच में घमासान लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिससे आसमान में हमें तूफान देखने को मिलता है। वहीं डेनियल की टीचर, जो खुद एक फॉलन एंजल है, वो लूसिंडा को लेकर यहाँ से जा रही होती है क्योंकि डेनियल ने उसे कहा था। लेकिन अब टीचर लूसिंडा को बताती है कि साइकिल टूट चुकी है, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, तुम्हारा बैप्टिज्म नहीं हुआ था, और अब तुम्हारी मृत्यु हुई तो हमेशा के लिए हो जाएगी, तुम कभी जन्म नहीं लोगी। जिसके बाद डेनियल स्वर्ग को चुन लेगा और उसके साथ हम भी चले जाएंगे। डेनियल की वजह से हम सब के सब यहाँ धरती पर फंसे हुए हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेनियल जानबूझकर धरती पर है ताकि वो लूसिंडा के साथ हमेशा रह सके, और टीचर अब लूसिंडा को मारना चाहती है ताकि उसकी मौत के बाद सब के सब स्वर्ग वापस चले जाएं। पर इससे पहले कि वो लूसिंडा को मारती, यहाँ पर डेनियल आ जाता है और डेनियल को देखकर टीचर अपने आप ही यहाँ से गायब हो जाती है। कैम भी इस जगह आ चुका है। दरअसल कैम और डेनियल दोनों की दोनों लूसिंडा को बचाना ही चाहते हैं, लेकिन अब इन्हें पता है कि बहुत जल्द यहाँ पर लूसिफर आएगा ताकि वो लूसिंडा को मार सके। लूसिंडा डेनियल से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पूरी जिंदगी में कुछ सवालों के जवाब ढूंढती रही, पर अब मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। और इसके बाद डेनियल लूसिंडा को उठाता है और यहाँ से किसी सुरक्षित जगह के लिए निकल पड़ता है ताकि वो लूसिंडा के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सके। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।